जिंदाबाद ठीक रहना जिंदाबाद हमारा नेता कैसा हो ठीक रहना कैसा हो हमारा नेता कैसा हो ठीक रहना कैसा हो ऋषभ पाली जिंदाबाद पाली को जिंदाबाद हमारा नेता कैसा हो ऋषभ पाली जैसा हो हमारा नेता कैसा हो ऋषभ पाली जैसा हो बिल्कुल यार अपने अपने तरीके से अपने लोगों को सेट करवा देती हूँ आप सबका स्वागत है दिल की उम्मीद तरीन गहराइयों से कि आपने टाइम निकाला और यहाँ आए हैं। आज जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट की तरफ से एक ज्वाइनिंग का प्रोग्राम है जिसमें जम्मू के तरह तरह और हर साइड से स्टूडेंट हैं, कुछ बाशिंदा शहरी है जो इस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। तो इसी के लिए एक छोटा मोटा आज कार्यक्रम रखा है। तो इसके लिए हमारे जो प्रेसिडेंट हैं शेख मुजफ्फर साहब वो आए हैं, हमारे साथ साउथ कश्मीर के प्रेसिडेंट शाहिद साहब हैं, रामलाल जी हैं जो जम्मू प्रोविंस के प्रेसिडेंट हैं वो बैठे हैं, प्रतीक जी हैं ये स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट हैं। तो इसके बाद भी और बता देंगे, मुजफ्फर साहब खुद ही बता देंगे। तो आपका धन्यवाद है, मैं मुजफ्फर साहब को बोलता हूँ कि आप इस प्रोग्राम के बारे में रोशनी डालें। थैंक यू। आई विद द कोर ऑफ माई हार्ट वेलकम ऑल ऑफ यू who are present here, especially the media personnel and those also who have joined today. तो सबका मैं हाथ जोड़कर सबका सलाम करता हूँ, सबको सबके लिए मैं सबका आशीर्वाद भी चाहते हैं। आज जो ये हमारा प्रोग्राम है ये कोई पॉलिटिकल इतना बड़ा इशू नहीं था, तो लेकिन लोगों के तई जो वालेहाना इस्तकबाल प्रतीक जी के साथ है, यूनिवर्सिटी तलबा हैं, स्टूडेंट्स यूनियन के लोग हैं और जम्मू प्रावन से कई अच्छे मुअज्जज शहरी आज इस प्रस्थान के जरिए यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं, तो मेरा सबको सलाम है, मेरा सबको आदाब है। तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट एक वाहिद तहरीक है, तंजीम है, जिसमें किसी भी पॉलिटिकल लीडर जिसने किसी भी पार्टी के साथ इलेक्शन लड़ा हो, जिसने जम्मू कश्मीर को लूटा हो, इन लोगों को इस पार्टी में कोई जगह नहीं है। ये पार्टी फकत नौजवान लोगों के लिए है जिनका किसी भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, उन लोगों के लिए इस पार्टी में शामिल होना, उनको हम दावत देते हैं, मन से देते हैं, दिल से देते हैं कि वो जम्मू कश्मीर को एक नया जम्मू कश्मीर तामीर करने के लिए इस पार्टी के साथ हाथ बटाएं और दोष बदोश एक साथ चले। अभी तक जो कुछ भी हमारे नसीब में था वो मिल गया, लेकिन एक नया जम्मू कश्मीर तामीर करना हम सब का फर्ज है, हम सब की जिम्मेदारी है। सुनते हैं, सुना है, पढ़ा भी है, गॉड हेल्प अस दोज हु हेल्प अस देमसेल्फ। तो जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट एक नया जम्मू कश्मीर तामीर करने के लिए मैदान में है, जो कि सिर्फ उन लोगों की पार्टी है जो नए चेहरे हैं, बेदाग चेहरे हैं, जिनके खिलाफ कोई चार्जेस नहीं है, बल्कि
हमने ये फैसला आज नहीं, एक एनजीओ की हैसियत से हम 2003 से ही मैदान में हैं। 2003 से लेकर आज तक हमने लोगों के मसाइल सुने हैं और छोटे मोटे रिसोर्सेज के जरिए जितना मदद हो सकता था किया भी, तो फाइनली हमने ये डिसीजन लिया कि एक ऐसी कौम परस्त तंजीम बनाई जाए जो जम्मू कश्मीर और देश, पूरे देश के साथ हाथ से हाथ मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर लोगों के मसाइल को हल करने को तरजीह दें। अब चूंकि हमारे पास कई पॉलिटिकल पार्टियां मौजूद हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि ये पॉलिटिकल पार्टियां ये दल बदल है, ये अपने इंटरेस्ट्स के लिए एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, तो लेकिन यही एक वाहिद प्लेटफार्म है जहां आपको बेदाग चेहरे मिलेंगे, एक ऐसा प्लेटफार्म है जहां आपको वो लोग नजर आएंगे जो मासूम है, एक ऐसा प्लेटफार्म है जहां पर आपको वो लोग मिलेंगे जिनको कुछ करने की हिम्मत है, ताकत है। तो नया जम्मू कश्मीर तामीर करने के लिए, जम्मू कश्मीर की तरक्की के रास्ते खोलने के लिए नौजवान कंधे ही मजबूत हैं जो इसको तरक्की के रास्ते पर ले सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट का छोटा मोटा जो एजेंडा है वो ये है कि जम्मू कश्मीर को वायलेंस फ्री बनाना है, जम्मू कश्मीर को ड्रग एडिक्शन फ्री बनाना है, जम्मू कश्मीर को करप्शन फ्री बनाना है, जम्मू कश्मीर को अडल्ट्रेशन फ्री बनाना है और जम्मू कश्मीर में हम 5 लाख नौकरियां तक फराहम करेंगे इंशाल्लाह, अगर इफ पीपल वोटेड अस फॉर पावर। तो दूसरा, जो भी गरीबी के रेखा से नीचे लोग बस रहे हैं उनके लिए इस पार्टी ने ये फैसला ले लिया है कि हम उनको, जो उनके दुकानदार हो, कोई भी हो जो गरीबी की रेखा से नीचे है, उनका हम लोन जितना भी है वेव ऑफ करने की कोशिश करेंगे और साथ में बिजली उनको फ्री करेंगे और पानी भी इंशाल्लाह फ्री करेंगे। तो साथ में सबसे बड़ा जो चैलेंज इस वक्त है वो ये है कि ड्रग एडिक्शन, जहां हमारे 6 लाख बच्चे ड्रग एडिक्शन के में शिकार हैं, तो ड्रग एडिक्शन की जो हम रेशो निकालते हैं तो 18 से 28% बचे, नहीं 78% बच्चे जो है वो 18 और 28 की एज के हैं। ये बड़ी कयामत खेज मंजर है, इस सिचुएशन को बदलना हम सबकी जिम्मेदारी है, जिनको जो इस चीज को जिम्मेदारी लेते हैं वो इस पार्टी में शामिल हो जाएं और हम इनका वालेहना इस्तकबाल करेंगे। थैंक यू। यस 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 प्लीज से टास्क इज वेरी डिफरेंट। ओके, कैसे आप युवाओं की प्रेजेंटेशन करेंगे? ड्रग एडिक्शन दर दर फैला हुआ है, आपने कहा कि शांति के लिए बच्चे नौजवान आपके साथ जुड़ रहे हैं, उसके लिए खैर मतलब उनका भी आपका भी, बट द टास्क इज वेरी डिफिकल्ट। यू हैव अडॉप्टेड द पैटर्नेज ऑफ द केजरीवाल, हाउ मच इट इज? योर क्वेश्चन इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। वी हैव नथिंग टू डू विद केजरीवाल। Kejriwal is in Delhi, but we are living in a state which is a bone of contention among 3 countries, which is very poor state, which has very low economical system, henceforth. But the politicians which were in power since 1953, they have not developed this Jammu and Kashmir as per the aspirations and of people of Jammu and Kashmir. They have corrupted, made corruption, favoritism, all this lead us to destruction. अब नए बच्चों को नई सलाहियतों के साथ आगे लाने के लिए जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट आई है, तो मुझे उम्मीद है कि जो बच्चे हमारे साथ, जो जवान हमारे साथ, जो युवा हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, इनमें ये पूरी शक्ति है। सिर्फ हमारी एक डायरेक्शन है, हम एक डायरेक्शन दे रहे हैं कि किस दिशा में जाना है, लेकिन मुझे अपने सोल्जर्स पर, अपने जो मेरा जो टीम है इन पर पूरा फख्र है कि इनके कंधे इतने मजबूत हैं कि वो इस जम्मू कश्मीर को सही रास्ते पर और तरक्की के रास्ते पर लेने में सफल हो जाएंगे। आपने कहा कि 5 लाख नौकरियां, किस तरह आप इसको कमी जमा करेंगे? देखिए, अभी तक जो कुछ हुआ सो हुआ,
लेकिन नए सिरे से जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी बन रही है उस इंडस्ट्रियल पॉलिसी को फाल बनाते ही उस पर अमल पैरा होकर करप्शन से पाक बनाकर 5 लाख क्या बल्कि 25 लाख नौकरियां भी मुश्किल नहीं है। आज आपकी पार्टी में नए चेहरे ज्वाइन हो गए, इसके बारे में थोड़ा सा किसी की फैसिलिटी की कैसा क्या रोड मैप रहेगा आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर के लिए, जो पिछले 25 साल में टेररिज्म के शिकार हो चुकी है पूरी रियासत अब क्योंकि है, क्या रोड मैप रहेगा आपको युवाओं के लिए? युवा हमारा फ्यूचर है, यूथ इज द फ्यूचर ऑफ अवर जम्मू एंड कश्मीर, नॉट ओनली फॉर जम्मू एंड कश्मीर बट फॉर द नेशन। तो यूथ को अगर आप मौका देंगे डेफिनेटली ये एक ऐसा तूफान लाएंगे जो बरस कर, जो मोहब्बत के बरसात बरस कर एक नए जम्मू कश्मीर में ऐसी फसल उगाएंगे कि लोग दाना खाते खाते भी कभी नहीं घबराएंगे और न कमी पड़ेगी। क्या अलग अलग पार्टियों से भी आपके यहाँ पर करेंगे आपकी पार्टी में या फिर नए नए लोगों को आप मौका देने वाले? मैंने भी बोला है, इस क्वेश्चन का जवाब मैं पहले ही दे चुका हूँ कि मैं किसी पार्टी को पार्टी नहीं मानता हूँ, ये दल बदल है, एक पार्टी से निकल कर दूसरे में जाते हैं तो पार्टी बना लेते हैं। तो हमने उन तमाम लोगों के लिए दरवाजे बंद रखे हैं जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ, जिसने इलेक्शन लड़ा हो, मंत्री बना हो, एमएलए बना हो या ना बना हो, लेकिन जिसने किसी पार्टी के साथ असेंबली का इलेक्शन या पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा हो, मैं डीडीसी की बात नहीं करता, वो 3-tier सिस्टम में अलग बात, तो उनके लिए इस पार्टी में दरवाजे बंद है। बस फकत ये फकत उन बच्चों के लिए है, उन नौजवानों के लिए ये पार्टी बनी है जिनमें काफी जोश है, जिनके कंधे काफी मजबूत हैं, वो जम्मू कश्मीर को चलाने की पूरी सलाहियत रखते हैं। आज पीपल्स फ्रंट जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो आप बताइए एक टेबल पर रखो प्रतीक रैना। नाउ ज्वाइनिंग प्रोग्राम इज कमेंसिंग, आई पे माय रेस्पेक्ट टू ऑल द मीडिया मैन हियर पुलिस कवरेज। तो हमने प्रतीक जी रैना को युवा यूथ प्रोविंशियल प्रेसिडेंट फॉर जम्मू नामजद किया हुआ है, तो इसके लिए तालियां हो जाए। प्रतीक जी आपका बहुत बहुत आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नाउ दूसरा जो है द नेक्स्ट गाय विच हैज ज्वाइनड टुडे एंड ही इज डिजिग्नेटेड एज डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट यूथ फॉर जम्मू डिस्ट्रिक्ट, ऋषभ बाली। द थर्ड गाय वेरी इंपॉर्टेंट गाय ऑल्सो करण खजूरिया, उसको इज द प्रोविंशियल जनरल सेक्रेटरी फॉर यूथ। धन्यवाद। पीयूष रैना, पीयूष रैना जिंदाबाद, पीयूष रैना जिंदाबाद, पीयूष रैना जिंदाबाद। पीयूष रैना इज प्रोविंशियल जनरल सेक्रेटरी जम्मू। पीयूष रैना जिंदाबाद, पीयूष रैना जिंदाबाद। जीतन बाली प्रोविंशियल स्पोक्स पर्सन, चितवन बाली जिंदाबाद, चितवन बाली जिंदाबाद, चितवन बाली जिंदाबाद, चितवन बाली जिंदाबाद। सिद्धार्थ बाली डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी जम्मू,
सिद्धार्थ बाली जिंदाबाद, सिद्धार्थ बाली जिंदाबाद। ये कौन सा ये चौसी मार काकस और चंद्र सिटी यू साहिल चौधरा फोटो आ गया तुम के ठीक है कौन सा तुम साहिल भैया फोटो कर साहिल चौधरा जिंदाबाद साहिल चौधरा जिंदाबाद। सेक्रेटरी जम्मू डिस्ट्रिक्ट साहिल डोगरा। हां ओके बोलो तालियां ले साहिल।